सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विलास विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का यह साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हटकर के प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है।